1 अगस्त से 30 अगस्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विकास खंड चरगावा से एक स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को खुले में शौच करने से होने वाले दुष्परिणामों को बताया गया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्रन पांडियन ने बताया कि जिले में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पाने वाले ग्राम पंचायत को 1 करोड़ तथा दूसरे स्थान पर आने वाले गांव को 75 लाख तथा तीसरे स्थान पाने वाले को 50,000 का नाम दिया जाएगा, जिलाधिकारी ने बताया। ये रैली आप लोग रोड पर निकाले, हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी साथ में बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हमला बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हमला बंद करो। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण प्रारंभ हो जा रही है, इसी के अंदर तो 30 अगस्त तक ये सर्वे चलेगा पूरे भारत में कितने गांव हैं सब में, उसी का प्रारंभ हम लोग भी यहां किए हैं ताकि यहां का प्रधान सबको बुला करके चरगावा गांव में एक अवेयरनेस रैली निकले हम लोग, उस पर जो गांव का साफ सफाई करने में जो प्रधान और ग्राम स्तर अधिकारी, यहां का जो ब्लॉक प्रमुख, BDO और सब अधिकारी लोग कैसे, किस किस का क्या भूमिका रहेगा, कैसे इस अभियान का सफलतापूर्वक हम चला सकते हैं, उसी के एक तरफ एक संदेश देने के लिए आज रैली निकले हैं। उसके साथ साथ हम लोग फॉगिंग मशीन बांटे थे, फिर जो घर घर जा करके कूड़ा कलेक्ट करने के लिए भी साधन है वो भी दिए हैं, फिर सफाई कर्मचारी का अलग पहचान के लिए अलग ड्रेस भी दिए हैं। ये हर ब्लॉक में हम लोग प्रारंभ करेंगे, आज एक चरगांव ब्लॉक में प्रारंभ हुआ है, बाकी 18 ब्लॉक में कल से और हर ब्लॉक में प्रारंभ होगा। जी हाँ, मैं एक देखिए इसी ग्राम पंचायत गोरखपुर में जो कितने ग्राम पंचायत है सबको जिला स्तर अधिकारी से मैं सर्वे करूँगा, उस पर जो सर्वप्रथम सफाई साफ सुथरी गांव के लिए 1 करोड़ रुपया हमने इनाम घोषित किया है और दूसरा नंबर पे आने वाले के 75 लाख और तीसरा नंबर पे 50 लाख, उस पर विभिन्न योजना के अंदर 1 लाख के अंदर ये 1 साल के अंदर उसी गाँव में जो भी चाहते हैं प्रधान उसी का हम पूरा कराएंगे।